हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोग को दक्षिणी चित्रकला पर कुछ इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग उसे डिटेल में पढ़ते हैं। पेंटिंग का नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो। ये पेंटिंग है, आप देख लीजिए। चित्र का नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो। चित्रकार अज्ञात है, चित्रकार का नाम यहाँ पे नहीं है। माध्यम कागज पर जल रंग, वाटर कलर ऑन पेपर से बनाया गया है। इसका जो समय है 1750 से 70 ईस्वी, 1750 से 1770 AD में ये बना है। सब स्कूल इसका है, हैदराबाद। टेक्निक है टेम्परा। संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। कलेक्शन इसका है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। इस लघु चित्र को हैदराबाद दक्कनी शैली में 1750 से 70 ईस्वी की कालावधि में किसी अज्ञात चित्रे ने रोमानी तत्वों की प्राथमिकता के साथ चित्रित किया है। इस चित्र में दिल्ली के प्रमुख सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया को हरी पोशाक में सिर पर हरी पगड़ी बांधे गहन विचार की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। यहाँ पे ये हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं जो हरे कलर में वस्त्र पहने हुए, और पगड़ी भी उनकी ग्रीन कलर की दिखाई गई है। उनके उनके पीछे पीले रंग का सूर्य रूपी आभा मंडल दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये के पीछे येलो कलर में सूर्य रूपी आभा मंडल है। उनकी सफेद दाढ़ी उन्हें विशिष्टता प्रदान कर रही है। उनके सामने बाईं ओर तत्कालीन प्रसिद्ध संगीतज्ञ अमीर खुसरो को घुटने के बल बैठकर वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे इनकी दाढ़ी जो है सफ़ेद रंग में काफ़ी विशिष्टता इन्हें प्रदान कर रही है। और इनके जस्ट सामने यहाँ पे अमीर खुसरो बैठे हुए हैं जो वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाए गए हैं। उनकी पगड़ी व अंग वस्त्रों का रंग एक समान है तथा उन्होंने लाल रंग का कमरबंद पहना है। उनकी काली दाढ़ी उनके युवा होने का प्रतीक है। यहाँ पे इन्होंने इनका जो वस्त्र है वो एक समान है, और कमर में इन्होंने रेड कलर का कमरबंद पहना है, और उनकी दाढ़ी जो ब्लैक कलर की है, इन्हें की दाढ़ी उन्हें युवा होने का प्रतीक है। निजामुद्दीन औलिया को जब कभी रूमानी आनंद की जरूरत महसूस होती तो वे अपने मुरीद अमीर खुसरो को याद कर लेते थे। जिस प्रांगण में उन्हें बैठे हुए दिखाया गया है उसे पीले रंग पर बारीक लाल धारियां खींचकर बनाया गया है। यहाँ पे ये लोग जो बैठे हैं, पीले रंग के बारीक धारियों से ये बनाया गया है। उस प्रांगण को चारों ओर से लाल रंग की जाली से घेरा गया है। अग्रभाग में सीढ़ियों को त्रिआयामी प्रभाव में दिखाया गया है। रास्ते के दोनों ओर फूलों वाली क्यारियां बनाई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस प्रांगण के चारों ओर लाल रंग की जाली यहाँ पे बनाई गई है। लाल रंग की अग्रभाग में सीढ़ियों को त्रिआयामी प्रभाव दिया गया है। यहाँ पे सीढ़ी बनाई गई है जिसमें 3D प्रभाव भी दिखाया गया है। रास्ते के दोनों ओर फूल वाली क्यारियाँ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रास्ते के दोनों ओर ये फूल की क्यारियाँ बनाई हुई हैं। पृष्ठभूमि में सपाट नीला आसमान तथा क्षितिज पर फूलों वाले पौधे दिखाए गए हैं। एक बड़ा वृक्ष भी दिखाया गया जिस पर लाल व पीले रंग के फल व फूल दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रास्ते के दोनों क्यारियाँ बनी। पृष्ठभूमि में सपाट नीला आसमान तथा क्षितिज पर फूलों वाले पौधे दिखाए गए। यहाँ पे देखिए, नीला आसमान बनाए और क्षितिज पर ये कुछ पौधे पीछे बनाए गए फूल, और एक बड़ा वृक्ष भी यहाँ पे पीछे दिखाया गया है जिस पर लाल व पीले रंग के फल फूल दिखाए गए। यहाँ पे छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं।
इसके अलावा एक और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्र है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। उस चित्र का नाम है नर्तकियाँ, डांसर्स इंग्लिश में इसे बोलते हैं। ये चित्र है, देख लीजिए आप। चित्र का नाम है नर्तकियाँ, चित्रकार अज्ञात हैं। माध्यम कागज पर जल रंग वाटर कलर ऑन पेपर से बनाया गया है। समय इसका है 1750 ईस्वी, 1750 एडी में बना है। उपशैली इसका हैदराबाद, सब स्कूल है हैदराबाद। टेक्निक है टेम्परा। संग्रह इसका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में सुरक्षित है। यह चित्र हैदराबाद दक्षिणी शैली का है। इसे 1750 ईस्वी के आसपास किसी अज्ञात चित्रे ने बड़ी खूबसूरती से भारतीय यूरोपियन व पर्शियन कला तत्वों के बेहतरीन संयोजन से चित्रित किया है। इसमें भारतीय यूरोपीय और पर्शियन कला तत्वों का समावेश है। इस चित्र में दो नर्तकियों को पूर्णतः अलंकृत परिधानों में आभूषण से सुसज्जित संपूर्ण साज श्रृंगार के साथ सममितीय नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है। समान रूप से नृत्य मुद्रा में दोनों नर्तकियों को यहाँ पे सुसज्जित आभूषणों के साथ पूर्ण अलंकृत परिधानों में दिखाया गया है। उनके थिरकते शरीर की गतिशीलता को चित्रकार ने बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया है। वे लंबी छरहरे बदन वाली कोमल कोमलांगी प्रतीत होती है। ये थोड़ा लंबी बनाई गई हैं, छरहरे बदन, पतली बदन वाली बनाई गई हैं। केवल परिधानों के अलग रंगों से उनकी पहचान अलग दिखाई गई है। कमर के नीचे दोनों ने एक पारदर्शी घाघरा पहना है जिसकी सलवटें उसी रंग को गहरा करके बनाई गई हैं। आप देखिए कमर के नीचे उन्होंने घाघरा पहना है जिसकी सलवटें बनाई गई हैं। यहाँ पे फोल्ड्स दिखाए गए हैं। एक नर्तकी ने लाल रंग की सलवार व दूसरी ने बैगनी रंग की सलवार पहनी है। दोनों नर्तकियों के सिर व दोनों हाथ आपस में इस तरह मिले हैं कि मनमोहक दृश्य की खूबसूरत छटा दिखाई दे रही है। जिस प्रांगण में वे नृत्यरत हैं उसका धरातल व दोनों ओर बनी समरूप इमारतें त्रियामी प्रभाव प्रस्तुत कर रही हैं। उनके मेहराबी बड़े दरवाजे, अलंकृत छज्जे व छतों का त्रियामी बिंब बेहतरीन है। यहाँ पे एक नर्तकी ने लाल और दूसरी ने बैगनी रंग का सलवार पहनी है। आप देख सकते हैं एक ने लाल और दूसरी ने यहाँ पे बैगनी रंग की सलवार पहनी हुई है। और दोनों नर्तकी के सिर पर हाथ आप सिर व दोनों हाथ आपस में मिले हैं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के सिर और हाथ आपस में मिले हुए दिखाए गए हैं। जिस प्रांगण में उसका धरातल व दोनों ओर बनी समरूपी त्रियामी प्रभाव प्रस्तुत कर रही इमारतें कि मेहराबी बड़े दरवाजे लग, यहाँ पे ये इमारतें बनाई गई हैं। देख सकते हैं दोनों साइड में समान रूप से और यहाँ पे 3D प्रभाव दिखाया गया है। पूर्ण रूप से ये सुसज्जित हैं। चित्र की पृष्ठभूमि को तीन भागों में दिखाया गया है। पहले समीपस्थ भाग में जल स्रोत दिखाया गया है जिसमें सफ़ेद, लाल व हरे रंग के फूल पत्तियां व पक्षी दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सफ़ेद, लाल, हरा व यहाँ पे कुछ पुष्प दिखाए गए हैं और कुछ यहाँ पे छोटे छोटे पक्षी बनाए गए हैं। मध्य भाग में हरा भरा धरातल वृक्ष व उनके पीछे तीन गुंबदाकार सफ़ेद इमारतें दिखाई गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मध्य भाग हरा भरा है, उनके पीछे तीन गुंबदाकार ये भवन दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं दूरस्थ पृष्ठभूमि को स्पष्ट गहरे रंग से दिखाया गया है। चित्र के अग्रभाग में एक फव्वारा दिखाया गया जिसमें जल निकल रहा है। चित्र के अग्रभाग में आप यहां देख सकते हैं आगे एक ये फव्वारा बनाया गया है
जिसमें जल ये निकल रहा है। ये चित्र काफी इंपॉर्टेंट है, अहमदनगर से संबंधित है, दक्कन स्कूल से। तो दोस्तों यह हमने दक्कन आर्ट पर तीसरा वीडियो बनाया है। तो इस तरह से दक्कन आर्ट हमने पढ़ा दिया है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों मैं इसी प्रकार से एक विजुअल आर्ट से संबंधित आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।